Hi everyone and welcome back to my channel Tips and Tricks. I am Pooja और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ समर्स की डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल जो कि पर्सनली मैं खुद बनाती हूँ और उसके लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव एक्सेसरीज या फिर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस एक सिंपल सा क्लच चाहिए. ये सिंपल सा क्लच मैं यूज़ करती हूँ और इससे हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी सी हेयर स्टाइल बन जाती है जिसको आप कभी भी अगर बाहर वॉक करने जा रही हैं या फिर कहीं शॉपिंग करने जा रही हैं या फिर घूमने जा रही हैं अपनी फैमिली के साथ तो भी आप इससे बना सकती हैं. और अगर आपके पास कोई कॉम्ब नहीं है उस टाइम अवेलेबल तो आप तब भी इसे बहुत ईजिली बना सकती हैं. मेरे अभी देख सकते हैं आप मीडियम साइज़ हेयर है मेरी, मीडियम लेंथ है मेरी और आई हैव अ कॉम्बिनेशन हेयर तो मेरा स्कैल्प बहुत ही ऑयली होता है और मेरे लेंथ हमेशा ड्राई होते हैं तो उसके लिए हेयर को वॉश करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली. और इसकी वजह से मैं अपने बाल को खोलना बिल्कुल भी गर्मी में पसंद नहीं करती हूँ और इस क्लच की मदद से मैं बहुत ही अच्छी और क्यूट सी हेयर स्टाइल्स बनाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारे फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए हम बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ. आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ. आपको जस्ट ऐसे ही करना है और अच्छे से अपने बालों को पोनी टेल में करके, बहुत हाई पोनी टेल नहीं करेंगे इस हेयर स्टाइल को, और अच्छे से हम बालों को ट्विस्ट करेंगे. आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रही हूँ आपको बिल्कुल सेम वैसे ही करना है. और हम बालों में क्लचर अब लगाएंगे. एक तरफ के बालों को हम खुला छोड़ देंगे अच्छे से और थोड़ी सी सेक्शन को आगे करके ताकि लुक और इन्हेंस हो जाए. और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हेयर स्टाइल लग रही है. इस हेयर स्टाइल को आप बाहर शॉपिंग करने जा रही हैं, फैमिली के साथ घूमने जा रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल लगेगी. हमारी दूसरी हेयर स्टाइल के लिए हम बालों को डिटैंगल करने के बाद एक पोनी टेल में कन्वर्ट करेंगे बालों को अच्छे से. बहुत हाई पोनी टेल इसमें भी नहीं करना है हमको. अपने बालों को अच्छे से कॉम करके ताकि बाल आपके कहीं से भी निकले नहीं. और अब हम बालों को अच्छे से फिर से ट्विस्ट करेंगे. आप देख सकते हैं मैं कैसे वीडियो में कर रही हूँ. और फिर हम क्लच का यूज़ करेंगे. क्लच आपको इस तरीके से लगाना है और फिर बालों को अच्छे से खोल देंगे. ये बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल लगती है, मेरी ये फेवरेट हेयर स्टाइल है. देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये. इससे आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी. सो हमारी थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आप बालों को कॉम कर लीजिए और एक लो पोनी टेल में अपने बालों को अच्छे से बांध लीजिए. ध्यान रहे कि बाल बिल्कुल भी डिटैंगल हो चुके हों. और बालों को ट्विस्ट करने के बाद हम इसमें क्लच लगाएंगे. क्लच बहुत ऊपर नहीं लगाना है. आप देख सकते हैं मैंने जैसे लगाया आपको बिल्कुल वैसे ही करना है. और अच्छे से बालों को डिटैंगल करने के बाद हम इनको ऐसे रोल करेंगे. रोल करने के बाद एक अपनी क्लच को थोड़ा सा हल्का सा खोल के बालों के सेक्शन को उसी में शिफ्ट कर देना है. और देखिए कितना बढ़िया सा हमारा जूड़ा बनकर तैयार हो चुका है. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है. इससे आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी. आप इस बन को पार्टीज में भी बना सकती हैं. अब हमारी फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए हम बालों के छोटे से सेक्शन को रोल करेंगे. अगर आपको फ्रेंच ब्रेड बनानी नहीं आती है जैसे कि मुझे नहीं आती है तो मैं ऐसे अपने बालों को ट्विस्ट कर लेती हूँ कि बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच ब्रेड की तरह लगती है. आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्विस्ट करना है. ये स्कूल गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी हेयर स्टाइल लगेगी. आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्विस्ट करना है अच्छे से बालों को अच्छे से. इससे पहले आप बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लें ताकि आपके बाल बिल्कुल भी फंसे नहीं. और छोटे छोटे सेक्शंस को हम ट्विस्ट करते जाएंगे
जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल छोटे से सेक्शन को लेना है आपको, ज़्यादा बाल नहीं लेने हैं अदरवाइज ये ट्विस्ट नहीं होगा अच्छे से। पर अब हमारा ट्विस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल फ्रेंच ब्रेड की तरह लगेगी। इसके बाद आप अगर बन बनाएंगे अपने बालों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हेयर स्टाइल आपकी लगेगी। और ट्विस्ट करने के बाद हम इसे टिक टैक पिन से सिक्योर करेंगे। अच्छे से ट्विस्ट करके आपको देख लेना है कि आपको कैसे और किस जगह पे टिक टैक पिन लगानी है, और हम इस टिक टैक पिन को अपने बालों में लगा के अच्छे से अपनी ट्विस्ट अपनी फ्रेंच ब्रेड को सिक्योर कर देंगे। और अब हमारी फ्रेंच ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छे से डिटैंगल कर लीजिए बालों को ताकि आप बाद में जब बन बनाएं तो बहुत ही सुंदर लगे। और अब हमारी हेयर स्टाइल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये प्यारी लग रही है। तो ये थी मेरी डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स फॉर समर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए बनी रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स में।